ग्रांट है उसको भी तो 67% रोमियो और पी आर आई ग्रांट है उसको भी 60% हमारा एक्सपेंडिचर का। तो हम ये अप्रूव अपने टाइम हो तो हमारी कोशिश इस बार ये रहनी चाहिए कि हमारे जितने भी काम हमारे टेंडर होने हैं वो जल्द से जल्द टेंडर हो जाए, जल्द से जल्द उनका अलॉटमेंट हो जाए, सो दैट हमें पता हो कि हमारा ये काम हो सके। अब ये बात हो रही है कि 2 लाख का भी फर्दर टेंडर हो सकता है, 1,80,000 हो जाए, फिर से 20,000 रुपये बचे वो रिविजलाइज नहीं हो पाएंगे, पर एटलीस्ट इतना नहीं होना चाहिए जैसे कि इस साल जैसे हमारा एक्सपेंडिचर 63% हुआ लेकिन ऑलरेडी सेविंग थी, क्योंकि ऑन एन एवरेज वर्क जो थे वो 10 लाख का काम जो था वो कम में गया था। इसके अलावा इस बार हमारे जो नंबर ऑफ वर्क जो कंप्लीट हुए वो भी हमारा लास्ट ईयर के कंपेरिजन में नंबर हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लास्ट इस साल हमारे करीब 2100 काम जो है हमारे जो हमने जो है कंप्लीट किए। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी जगहों पर हमारे जो है एक्सेस ए हमने दी थी हमारे पी आर आईज के हमारे जो उनके कमिटमेंट पर थी कि जो हमने जो है यहाँ पर नोट आउट कर रखी है डिफरेंट डिफरेंट जगहों की किस किस जगह पर हमने एक्सेस ए दी थी आपके कमिटमेंट पर कि आप बचा हुआ पैसा आप नेक्स्ट ईयर रखेंगे। इसके अलावा कुछ करें क्योंकि हम सेकंड जो डीडीसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद सेकंड कैपेक्स प्लान यहाँ पर बैठ के बना रहे हैं इस साल का। पिछले जो कैपेक्स प्लान था वो COVID-19 के चलते उन परिस्थितियों में हुआ था, इस बार जो है थोड़ा समय हमें मिला है और जिस तरह से डीसी साहब ने एक ब्यौरा दिया है कि तकरीबन 60-70% के बीच जो कैपेक्स का एलोकेशन था 200-620 करोड़ का, तो उस लिहाज से हम लें तो हम मान सकते हैं कि 450 करोड़ का जो एलोकेशन था उसके जो है काम जिले में पूरे जिले में हुए हैं और इसमें 1 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर जो था वो हुआ था जिले में, तो ये बहुत बड़ा डबल से भी ज़्यादा इस बार जो है मिला है और खर्चा भी हुआ है। तो इससे जो है बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में ओवरऑल फीलिंग यह है कि काफ़ी जिले के अंदर काम हुआ है, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं हम सब इससे जुड़े रहे हैं 80% जो हम बजट जो है वो उसका लोकेशन यूज नहीं कर पाए, ये बहुत बड़ी मतलब हमारे समझे में चिंता की बात है और इस चीज़ को हमने नोट करना और आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर में है इसमें ये पैसा पेश ना हो जो एलोकेट होता है ये हमने सुनिश्चित करना है। इसमें सिस्टम के जो कैपेक्स बजट की आज जो मीटिंग हुई इसमें पूरा लेखा जोखा जो पिछले साल हमने कैपेक्स बजट बनाया था उसमें क्या कार्रवाई हुई, कितने काम हुए, कितने लैब्स हुए, किसकी नेगलिजेंसी है, वो किस अफसर की नेगलिजेंसी है, किस हमारे रिप्रेजेंटेटिव की गलती है, वो सारा आज यहाँ डिस्कस हुआ है और डिप्टी कमिश्नर कठुआ है यहाँ और चेयरमैन जो हमारे मान सिंह जी वो चेयर कर रहे हैं इसको और हमारे डीडीसी के मेंबर्स, बीडीडीसी, वीडीसी के चेयरपर्सन और म्यूनसिपैलिटी के सारे चेयरपर्सन सारे के सारे और डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर्स आज इसके ऊपर पूरी चर्चा हुई है कि जो कोताही पिछली बार क्योंकि नया नया पीआरआईज का सिस्टम था कुछ चीज़ें इनको भी पता नहीं थी कुछ हमको भी, लेकिन उसके ऊपर पूरा डिस्कस हुआ जो पिछली बार हमने कोताही की है चाहे ऑफिसर की तरफ से चाहे हमारी तरफ से अगली बार वो कोताही ना हो इसके लिए इसके ऊपर पूरी अंदर चर्चा हो रही है जे अभी और एक दो घंटे चलेगी। तो हम यही चाहते हैं कि जो लोगों के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार और ये के यूटी गवर्नमेंट है जो हमारी वो लोगों के लिए हमारे थ्रू हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और एडमिनिस्ट्रेशन हम दोनों का ये काम है कि जो स्कीमें आ रही हैं जो फंडिंग आ रही है उसको यूटिलाइज बिल्कुल सही ढंग से हम करें ये हमारी जिम्मेवारी है। हम इस अगर हमको लोगों ने हमें इलेक्ट किया है वोट डाल के तो हमारी आंखों के सामने को घोटाला हो जाए हमारी आंखों के सामने को गलत काम हो जाए तो हम ना बोलें तो हम जुर्मदार हैं और पापी हैं। तो हम कोई भी ऑफिसर यहाँ कोताही करेगा कोई भी किस्म का मुलाजिम होगा चाहे हमारा रिप्रेजेंटेटिव पीआरआईज में से चाहे सरपंच होगा बीडीसी का डीडीसी का कोई भी करेगा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारी जो काउंसिल है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि कोई एक मछली की वजह से हम पूरा तालाब को गंदा करना नहीं चाहते। हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो और जो नया बजट बना है इसमें जो पिछली कमी रह गई पैसे लैप्स हो गए आपने देखा होगा 25% हमारा लैप्स हो गया वो अगली बार ना हो इस
इसके ऊपर हमने पूरी चर्चा की है। और आपको पता है कि हमारी जो भारत सरकार है, मोदी साहब के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, हमारे मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, वहाँ से कोई कसर नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं और अब हमने जो कैपेक्स बजट बनाया है, लगभग बजट दे दिया है, तो आज हम उसके ऊपर पूरी चर्चा हो रही है। तो आज हम अपने इस जिला के लिए, पूरे जिला के लिए और कैसे मजबूती से हम एक साथ होकर काम करें, इसको और खूबसूरत कैसे बनाएं, इसको और अच्छा कैसे बनाएं, उसके लिए आज पूरी चर्चा हो रही है। मैं इतने कहूंगा, जय हिंद। कुछ यहाँ से चेयरमैन जो है कमेटियों के, वो बाइकआउट कर दिए हैं। नहीं, बाइकआउट नहीं किया उन्होंने, उन्होंने चाय पी, पूरी अपनी बात रखी। हाँ, उन्होंने एक बात रखी कि चेयरमैन साहब जी के सामने, हमारे सामने, कि ये हमारी जो कुछ कम पैसा, यानी कि वो कहते थे जो 10 साल पहले आता था आज भी वही है, तो इसके लिए चेयरमैन साहब, हमारी काउंसिल ने उनसे वादा किया है कि ये जो बात हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि अगर रूरल में डेवलपमेंट होगी तो अर्बन में भी होगी, हम दोनों खितों में एक जैसी डेवलपमेंट, बढ़िया डेवलपमेंट चाहते हैं। तो वो हमारे भाई हैं, वो खुद उनकी अपनी बात, सब 6 के 6 चेयरमैन आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी, उसके बाद गए हैं, वो बात रख के और हमें मेमोरेंडम दे गए हैं कि हमारी बात रखें, जब भी हमारी एलजी साहब से या गवर्नमेंट से बात होगी तो डॉक्टर जितेंद्र जी से बात होगी, हम इनकी बात रखेंगे, तो इनकी भी फंडिंग का बढ़ावा करवाने में पूरी ताकत से काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।